नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। आज के अपडेट्स में आपका स्वागत है। आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आगरा से झांसी रूट पर सफर कर रही पतालकोट एक्सप्रेस के दो बोगी में आग लग गई। बोगी में यात्रा कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। ये आग आगरा के थाना मालपुरा क्षेत्र के भदई रेलवे स्टेशन के पास लगी है। आग लगते ही ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन में आग लगते ही चीख पुकार मच गई। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। रेलवे कंट्रोल रूम को आग लगने की जानकारी दी गई। ट्रेन के रुकते ही यात्रियों ने बोगी से कूदकर अपनी जान बचाई। इसमें लगभग 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। दोनों बोगी लपटों में पूरी तरह से घिर चुकी थी। उन्हें ट्रेन के अन्य डिब्बों से अलग करने का प्रयास शुरू किया गया। इस बीच फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने पहुंच गई। दोनों बोगी में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ट्रेन की दो बोगी में आग लगने से ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया। ट्रेन को रोककर फायर टेंडर की मदद से आग बुझाने का काम किया गया। भारतीय रेलवे के अनुसार तुरंत आग लगे कोच को रेल से हटा दिया गया। यह फिलहाल पता नहीं चल सका है कि आग लगने का क्या कारण है। आगरा पुलिस आयुक्त कार्यालय के पुलिस उपायुक्त सोनम कुमार ने बताया कि घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है। आज दिनांक 25/10/2023 को सूचना प्राप्त हुई पातालकोट एक्सप्रेस की जनरल दो बोगियों में आग लग गई। सूचना पर तत्काल पुलिस को वहां रवाना किया गया और 5 फायर टेंडर की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। 2 यात्री घायल हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। फोरेंसिक टीम भी तत्काल रवाना कर दी गई। आगे इसमें जो भी फोरेंसिक जाँच में पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज।